हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है कौटिल्य अकेडमी जगदलपुर में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ महेश कश्यप। महेश कश्यप असल में कौन है, जिसको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी के द्वारा, उसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो बस महेश कश्यप कौन है? तो महेश कश्यप बस्तर में धर्म परिवर्तन का विरोध करने वाले जो नेता है वो है महेश कश्यप। क्योंकि जो बस्तर में धर्म परिवर्तन बहुत ज्यादा ही हो रहा था, तो उनका विरोध करने वाले नेता को बीजेपी ने इस बार लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। हिस्ट्री हम देखते हैं, इतिहास, धर्म परिवर्तन का इतिहास कहाँ से। जो बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा ने पहली बार बिरसा मुंडा ने सभी ट्राइब्स को इकट्ठा करके अंग्रेज मिशनरी, इंग्लिश और मिशनरी के अगेंस्ट मोर्चा खोला था। इंग्लिश और मिशनरी के अगेंस्ट मोर्चा खोला था किसने? बिरसा मुंडा ने। और अंग्रेजों को और मिशनरी को बस्तर से बाहर किया था। हमेशा ब्रिज का काम करके रहने वाले बिरसा मुंडा अंग्रेज मिशनरी के अगेंस्ट काम किए थे। देखते हैं ये जो महेश कश्यप है, ये भी इसी टाइप का योजना चलाया है जिसका नाम है आया तोड़ द्वार। ये आया तोड़ द्वार असल में है क्या? आया तोड़ द्वार के द्वारा महेश कश्यप क्या किए, जितने भी जनजाति है सभी को एकत्रित किए, क्योंकि जनजातियों में बहुत ज्यादा धर्मांतरण बस्तर में हो रहा था। उन्होंने सभी जनजाति को एकत्रित करके अपने कल्चर को मेंटेन करने के लिए क्या लेके आया? आया तोड़ द्वार। ये क्या कि सभी ट्राइब्स के, बस्तर के जितने ट्राइब्स है उसको एकजुट किए। और किसके अगेंस्ट काम की? क्रिश्चियन मिशनरी के अगेंस्ट इन्होंने काम किया। अब महेश कश्यप के बायोग्राफी के बारे में देखते हैं। महेश कश्यप असल में है कहाँ के? महेश कश्यप है बस्तर के हैं। कहाँ के हैं महेश कश्यप? बस्तर से आते हैं। ये मात्र अभी 48 एज इनका कितना है? 48 है। ये मेनली इनका प्लेस ऑफ बर्थ देखा जाए तो कुमरावन है, लेकिन जहां इनका घर है अभी वो कहाँ है? कलचा, बस्तर में इनका घर है। इनका अगर प्रॉपर्टी का बात करें तो इनका प्रॉपर्टी है 39 लाख। कितने प्रॉपर्टी? 39 लाख है। और ये एजुकेशन इनका हुआ है 10th पास। इनका एजुकेशन कितना हुआ है? 10th पास हुआ है। ठीक है, ये पूर्व में सरपंच भी रहे हैं कलचा के। अभी वहां से उनकी धर्मपत्नी, वहां की वाइफ, उनकी वाइफ वहां से सरपंच है एट प्रेजेंट। ये स्टार्टिंग चाइल्डहुड समय से आरएसएस से जुड़े हुए थे। चाइल्डहुड समय से ये किससे जुड़े हुए थे? आरएसएस से जुड़े हुए थे। और इनका प्रोफेशन का बात करें तो ये पेशे से किसान है। महेश कश्यप का अर्ली लाइफ कैसे रहा? महेश कश्यप स्टार्टिंग में धर्म क्या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे। 1996 में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद लिया था। फिर 2001 में डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर ऑफ विश्व हिंदू परिषद रहे हैं। और 2010 में डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर ऑफ विश्व हिंदू परिषद में थे 2010 में। ये 2014 में ये कलचा के प्रेसिडेंट, कलचा के ग्राम पंचायत के सरपंच थे। 2014 में इन्होंने सरपंच का चुनाव जीता था। पॉलिटिकल लाइफ का बात करूं तो इनका कोऑर्डिनेटर बस्तर कल्चरल सिक्योरिटी फोरम के, ये क्या थे? कल्चरल सिक्योरिटी फोरम बस्तर डिवीजन के ये क्या थे? कोऑर्डिनेटर थे 2016 में। 2017 में ये वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वाधि समाज के वाइस प्रेसिडेंट थे छत्तीसगढ़ के। ये ये 2020 में जनपद पंचायत का चुनाव भी लड़े थे जिसमें इनको गाली हार मिली थी। फिर भी इन्होंने अपना अथक प्रयास किया। और अथक प्रयास करने के बाद इनको 2021 में, 2021 में ये शेड्यूल ट्राइब के बीजेपी के बस्तर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे। तो
ये रहा मैथ्स कश्यप का बायोग्राफी, और मैथ्स कश्यप का बायोग्राफी तो यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।